ओके आप जा रहे हैं और आपने आवाज निकाल दी और गधे ने सुन ली, कहा होगा मेरा यार आ गया। नहीं, गधे के साथ कभी नहीं निकाली। अरे पतलू भैया, गरम आंडे बेच रहे हो आज? इस तरह पतलू हो गया। अरे मोटू, ये क्या, पहले तो तुम समोसे खाया करते थे, अब तुम गरम आंडे क्यों खाते हो? अयमा, चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोले तो यम 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 पॉसिबल। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों को, दुआ बड़ों को सलाम, ज़ीशान अल्बानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के यंग टैलेंटेड नौजवान हैं और ये उभरते हुए सितारे हैं जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनके साथ साथ ये यूट्यूबर भी हैं और साथ जो है मारूफ टिकटॉकर भी हैं। इनमें जो है बड़ा टैलेंट पाया जाता है, क्या टैलेंट रखते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब कामरान, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बड़े परिंदों की आवाज़ निकलते हैं, जानवरों की निकलते हैं, बड़े बड़े सियासी की आवाज़ निकलते हैं, ये आइडिया और ये सोच कहाँ से आई? बस ये वैसे आइडिया और सोच कोई नहीं आया मुझे, जब मैं बचपन में हुआ करता था तो कुछ एनिमल्स की आवाज़ें निकाला करता था, तो उस टाइम मुझे नहीं पता होता था ये मैं क्या कर रहा हूँ, बस ऐसे फ़न ही करते रहते थे अपने क्लास फेलोज दोस्तों के साथ, बस फ़न कर रहे हैं हम। तो बाद में मुझे पता चला, वीडियोज़ वगैरह देखी इधर उधर, तो वहाँ से मुझे पता चला ये मिमिक्री होती है। किस परिंदे की आप आवाज़ निकाल लेते हैं? परिंदे भी काफ़ी सारे हैं, जानवर भी काफ़ी सारे हैं, और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने की थी पप्पी की आवाज़ से और बकरी की आवाज़ से। पप्पी की आवाज़ निकाली, पप्पी की जिस तरह हो गई। और ये हो गई पप्पी की आवाज़, और जिस तरह हो गई, और जिस तरह हो गया वो बकरी की आवाज़ मैंने स्टार्ट की थी। वो इस तरह जब घर में बकरी हुआ करती तो उसको कॉपी बकरी की आवाज़ कर बकरी की थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। बकरा जो है वो मूड में होता है तो कुछ इस तरह। अच्छा, बताइए कि आप परिंदों की आवाज़ निकालते हैं, सर तीतर की आवाज़ निकालते हैं? नहीं, तीतर जो मैं सुनता हूँ उसकी मैं निकाल सकता हूँ, तीतर की मैंने नहीं सुनी हुई कभी। अच्छा, नहीं सुनती वैसे तीतर। कोयल की आवाज़? कोयल तो बस ऐसे ही करती रहती है। अच्छा सुहेब, आप जानवरों की आवाज़ भी निकालते हैं, सर गधे की आवाज़ निकाल कर दिखा। गधे की आवाज़ इस तरह मुझे भी ऐसी आ गई। कभी ऐसा हो कि आप जा रहे हैं और आपने आवाज़ निकाल दी और गधे ने सुन ली, कहा होगा मेरा यार आ गया। नहीं, गधे के साथ कभी नहीं निकाली। अच्छा, ये बताइएगा कि आप डॉगी की आवाज़ भी निकालते हैं, गधे की आवाज़ भी निकालते हैं, इसके अलावा और किस किस की आवाज़ निकालते हैं? और जिस तरह फेमस कैरेक्टर है ना आजकल मोटू पतलू के, मोटू पतलू 2818 के नाम से है, वो इसी आवाज़ों से ही फेमस हुआ था, और ज़ुहैब कामरान के नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। आवाज़ निकाल सकते हैं? मोटू की जिस तरह हो गई। अरे पतलू भैया, गरम आंडे बेच रहे हो आज? इस तरह पतलू हो गया। अरे मोटू, ये क्या, पहले तो तुम समोसे खाया करते थे, अब तुम गरम आंडे क्यों खाते हो? जॉन जिस तरह हो गया। जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन, मैं गरम आंडे खाऊंगा, नहीं मिले तो मैं चोरी कर जाऊंगा। गरम आंडे चोरी कर लेंगे। हाँ जी। और जिस तरह हो गई चिंगम की, हो गई जिस तरह। अयमा, चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोले तो यम 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 पॉसिबल, नहीं छोड़ूंगा रिस्क किया। अच्छा, बताइएगा कि आप माशाल्लाह मोटू पतलू की आवाज़ निकालते हैं, बच्चे इसके बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आप सियासियों के भी आवाज़ निकालते हैं, ज़रा बिलावल भुट्टो सरदारी बने ना। क्वेश्चन पूछें आप मुझसे, बिलावल बिलावल से क्वेश्चन पूछें आप। बिलावल साहब, आप कब शादी करने जा रहे हैं? अरे जिसको देखो मुझसे शादी का पूछते हैं, मैं अभी छोटा हूँ, मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। शीश साहब आपको बड़ा प्यार करते हैं। अरे मुझे शर्म आती है। किससे शर्म आती है? अरे आपसे, जो शेख रशीद का नाम ले रहे हैं। शेख रशीद से आपसे प्यार करता है? अरे वो पता नहीं किस साइड वाला प्यार करता है, उसने अभी तक शादा मादा भी नहीं किया है। आप शेख रशीद बनेंगे?
अरे नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? मैं उस तरह नहीं बनना चाहता। इसके अलावा और कोई आप आवाज निकालना चाहते हैं? नहीं, और भी काफी सारी हैं पॉलिटिशियंस की आवाजें, मगर मैं पॉलिटिशियंस की आवाजें ज्यादा मिमिक आती हैं, मगर नहीं करता ऑन कैमरा, क्योंकि आपका पसंदीदा हो सियासतदान जिसकी आप माशाल्लाह बड़ी खुशी से करें आवाज निकालें? वो असल में हमारे मौलवी साहब है हमारे, वो फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान की भी, ताहिरुल कादरी की भी, वो सारों की मैं कर लेता हूँ, मगर उनकी वजह से ना काफी नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिले हैं कि वो हमारे आलिम बन जाते हैं। तारिक जमील वो आलिम दीन है, उनको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, वैसे उनको पसंद बड़ा करता है, जरा उनकी आवाज थोड़ा बहुत चलो मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे ज्यादा मैंने इस पे वर्क नहीं किया हुआ। और मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं तारिक जमील हूँ, आपने सबसे पहले घबराना आपने घबराने की बात कर दी है। कौन घबरा रहा है? कोई नहीं घबरा रहा, बस जो अच्छा, घबरा रहे हैं। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई है, ये बताइएगा कि अब मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं? बस यही कुछ है कि वैसे मुझे ऑफर आई है इंडिया से भी, जैसे अब इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर आई है, उन्होंने डबिंग वगैरह और वॉइस ओवर के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट किया है इंस्टा पे, तो मैं नहीं करना चाह रहा उनके साथ। मैंने उनको कहा है कि मैं पाकिस्तानी और मैं पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा, और मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई दाल निकलने वाली, ये मोहब्बत ही देते, मोहब्बत नहीं देते पाकिस्तानी। इंडिया फिर जाना चाहते हैं आप? वैसे तो मैं नहीं जाना चाहता, मौका तो ऐसे ही होता है कि एक बार आता है, फिर मैंने तो नहीं सोचा कि मैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है? जी बिल्कुल, जुहैब कामरान के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा। और उधर पे कितने फॉलोअर हैं? टिकटॉक पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं मेरे, मिलियंस में तो अभी नहीं पहुंचे, ऑलमोस्ट बस पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जुहैब कामरान की गुफ्तगु सुनी, पाकिस्तान के यंग टैलेंटेड उभरते हुए स्टार हैं, जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, और ये बहुत सारी टैलेंटेड महारत रखने वाले नौजवान हैं। इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान में कोई मौका मिला अच्छा तो ज़रूर इस पर काम करूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ईशान अल्बानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए रहने के बाद।